चलिए जी, ये खूबसूरत सा ड्रेस मुझे कौन से पेज से रिसीव हुआ है मैं पेज चेक कर देती हूँ। मैं अभी अपनी वीडियो के लिए रेडी हुई थी तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ना एक इसका फैब्रिक बहुत प्यारा है, साइज बहुत अच्छा है, ये सामने भी सारी एम्ब्रॉयडरी है, दुपट्टा जो है ये देख लें शिफॉन जा शिफॉन प्योर जो होता है ठीक है वो है, लेकिन इसका प्रिंट बहुत प्यारा है ड्रेस का, मुझे बहुत इसका प्यारा स्टाइल लगा था और साइज जो है और नेक जिसना भी मुझे ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चले आप लोगों को दिखा देती हूँ क्योंकि पेज के ऊपर सेल जा रही है, तो मैंने पेज चेक कर दिया ठीक है। ये सारी एम्ब्रॉयडरी और एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी है ठीक है, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया डिसाइड करने के लिए। खूबसूरत सा गिफ्ट पैक मुझे रिसीव हुआ है सिंपली डिजर्ट बाय बुशरा बिलाल की तरफ से, और ये बहुत ही प्यारी पैकिंग करके ना इस तरीके से सेंड करते हैं। मैं ओपन करके ना आप लोगों को दिखाती हूँ। ये कोकोनट बॉल सेंड की है, पैकिंग आप इन सब की देख लें ठीक है। ये हैं, मैं ना सारी चीज़ें आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये पास्ता मैक्रोनी है और ये चीजी बॉल्स हैं, ये चॉकलेट डेट्स विद आमंड है, ओपन करके दिखा। मैंने ओपन कर ली है चारों चीजें और देखने में और खुशबू बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। बहुत शुक्रिया जी सेंड करने के लिए। ये चीजी बॉल्स हैं, मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये मैक्रोनी है और ये हैं कोकोनट बॉल्स, और उन्होंने 5-5 भेजे हैं, मेरे ख्याल में हम घर के 5 बंदे तो उन्होंने कहा सभी टेस्ट कर ले ठीक है। आए जरा टेस्ट कर ले। ये मैक्रोनी में चीज है। अच्छा ओनली सरगोधा के जो है ना मेरे व्यूवर्स देख रहे, वो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं खाना घर का, और बहुत इनका टेस्टी बना होता है, साफ बना हुआ होता है और फ्रेश ये बना हुआ डिलीवर करती हैं। कैसे है मैं? बहुत अच्छा है, टेस्टी है जी। बॉल्स हैं वो भी देख लें, काफी सॉफ्ट है ये, बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छा। मुझे तो आप जब किसी शॉप वगैरह से लेते हो ना तो एक वो पहले की बनी हुई जिस तरह चीजें पड़ी होती है ना उनका एक पता चल जाता है। चलिए मैं सब ऐसे में काफी डिलीशियस है, चीजें बहुत चीज। अच्छा इतने मुझे कमेंट्स आए हैं कि आप ही आप सुबह कौन से पराठे जो हैं वो कीमे वाले और आलू वाले बनाते हैं। मैं ना सुबह के टाइम में आपको सही बताऊं, कोई नहीं बच्चे दूसरे खाते और मेरे पास भी टाइम कौन नहीं होता। एक जो डॉन के प्लेन पराठास होते हैं जो बनते हैं, और कीमे और आलू वाले मैं लास्ट टाइम लाई थी, लेकिन वो इस तरह के डॉन के आपको मिलेंगे। लास्ट टाइम भी जो आज सुबह की आप देखें ना, उसमें जो कीमा वाले और आलू वाले पराठे हैं वो डॉन के, और वो 6 पीस होते हैं ठीक है। ये 30-30 पीस के हैं, ये होल व्हीट में हैं, होल व्हीट पराठास हैं, ये सब रोसो के हैं आई थिंक, ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं ठीक है, और ये डॉन के हैं, तो वो आपको इस तरह बनने में मिलते हैं, तो मैं यही लेती हूँ। लेकिन घर के पराठे भी बनते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो मैं और मेरे हस्बैंड ज़्यादा हम घर के पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना वो मोस्टली सुबह कहते हैं कि हमने ये खाना है। तो जी भाई ये फ्रिज में पड़े हुए थे, ये हैं जनाब आलू के पराठे, जो सुबह आप पूछ रहे थे ना कि आप ही कौन से पराठे बनाती हैं, ये आराम से सिर्फ आपने देसी घी के ऊपर लगाना होता है और इतने मज़े का पराठा बनता है ना, दही के साथ खा ले, चाय के साथ, जिसके साथ आपको अच्छा लगे, ये है जनाब पराठा। और अभी हम करेंगे थोड़ी सी अनबॉक्सिंग, सारी नहीं होगी जितनी आज हो सकी ठीक है। और सबसे पहले नूर बाय जुगन काजिम के मुझे ये 4 फेस वॉशेज रिसीव हुए हैं जो कि उन्होंने न्यू लॉन्च किए हैं, नीम फेस वॉश फॉर एक्नी प्रॉन स्किन के लिए। इसके बाद चारकोल फेस वॉश है जो कोई ऑयली स्किन को, आपको पता है पोर्स के अंदर जिनसे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बनते हैं उसके लिए चारकोल उन्हें सक कर लेता है। ये फेस वॉश है एनी फेस वॉश है, मतलब नॉर्मल स्किन को हेल्दी और ग्लोई रखने के लिए और ड्राई स्किन को अच्छी तरह मॉइस्चराइज रखने के लिए विटामिन फेस वॉश है। अच्छा बैक साइड के ऊपर सारे फेस वॉशेज की डिटेल्स भी दी गई हैं, हाउ टू यूज सारा बताया गया और मैं पेज चेक कर रही हूँ, और इन्ग्रीडियंट्स वगैरह भी बहुत अच्छे बताए गए हैं, ये देख लें आप सारे। बहुत शुक्रिया जी सेंड करने के लिए, पेज मैंने टैग कर दिया। और इसके बाद नेक्स्ट पीआर मुझे रिसीव हुआ है ब्यूटी बाय आयशा की तरफ से ठीक है, पैकिंग बहुत ही अच्छी की हुई है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अच्छा जी चीज़ें मैंने इनकी सारी ओपन कर ली हैं। सबसे पहले इन्होंने मुझे ये आई शेडो पैलेट भेजा है जो कि मॉर्फी का, ये जैकलिन हिल का पैलेट है मॉर्फी। अच्छा मुझे ये नहीं आइडिया कि ये ओरिजिनल है या उसकी कॉपी है, कॉपी हो गया ज़ाहिर है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी है। आप इनके सारे ये चेक करें ज़रा, एक तो
जितने आई शेड्स हैं, और इनका मैं आपको ना स्वाच भी दिखा देती हूँ। और वैसे भी वो पैलेट जिसमें ब्लैक होता है, क्योंकि आपको मेकअप वीडियोज़ के लिए चाहिए होते हैं ये वाले सारे कलर्स, मैट में भी हैं, मेटेलिक भी हैं, मैं आपको ना तीन चार के स्वाचेस दिखा देती हूँ ताकि आपको ना सबके मिल जाएँ। ठीक है, एक हम ये ब्लू भी कर लेते हैं, ये देखें आप, अब ये थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट था, अगर आप इसको ये देख लें सारे, ये तो बहुत ही अच्छा है, ब्लैक वाला, रेड, और ये शायद मेरे से नहीं सही लगा ये ब्लू वाला, ये बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही प्यारा कलर है अंदर, मतलब क्वालिटी। और इसके बाद इस पैकिंग के अंदर ना ये छोटू सी हैंग फैंग की ये टू लिपस्टिक्स हैं, इस तरीके से थी इसके अंदर से ना, जिस तरह एक है ना अंदर, ये एक है, साथ में इन्होंने मुझे ये बैंड सेंड किया है, और मेरे ख्याल में ये ना ऊपर कलर लग गया इसके, ये वाला मैं भी सॉफ्ट कर लेती हूँ, बहुत ही ये सॉफ्ट और अच्छा है, जो लड़कियाँ लेना चाहें ज़रूर ऑर्डर कर लीजिएगा। और इसके बाद ये पेंसिल्स हैं पूरा एक पैक, ये ज़रूर ले लीजिएगा, मैंने इसके स्वाचेस लिए हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, एक ही दफ़ा मैंने, अब ये पता नहीं फोकस क्यों नहीं कर इसको, ये ठीक है, इनका पिगमेंट भी बहुत अच्छा है। और साथ ही इन्होंने मुझे ये मस्कारा सेंड किया है जो कि सुपर कर्ल मस्कारा है, मैंने पेज टैग कर दिया, ठीक है, जो लेना चाहें पेज से, बाकी प्राइजेस देख लें। और हमारा नेक्स्ट पी आर जो है वो है स्टार्स एंड ब्लिंक डॉट पी के की तरफ से, और आप सबको भी 10% डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप FA10 जो है डिस्काउंट इफ़ यू विल एंटर एंड बाय दिस थिंग्स। इन्होंने मुझे सेंड की हैं जनाब ये ज्वेलरी के, ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ जी। इन्होंने मुझे ये 4 ईयरिंग्स सेंड किए हैं, बहुत ही खूबसूरत है, ट्रेंडी है, खूबसूरत, मेकिंग इनकी काफ़ी अच्छी है, पेज में टैग कर रही हूँ, ये भी बहुत प्यारा है, ये आप देख लें इस तरह का अगर ड्रेस हो। और इनके पेज के ऊपर भी काफ़ी ज्वेलरी है, आप लोग जाके ज़रूर ऑर्डर कर लीजिएगा। जज़ाकअल्लाह जी भेजने के लिए, बाकी अगर प्राइस वगैरह जानना चाहें तो पेज से कांटेक्ट कर लीजिएगा। एंड देन वी हैव दिस ब्यूटीफुल हैंडमेड गिफ्ट, हाउ क्यूट, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये किन की तरफ से है। ओके, ये मुझे सेंड किया है हैंडमेड एंड क्राफ्ट वन ने, मैं पेज ट्रैक कर रही हूँ और आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ। चलिए जी, मैं ओपन करती हूँ, एक डोरी मैंने ओपन कर ली है, उसके बाद ये नेक्स्ट ओपन कर रही हूँ, अब ये कवर हम उठाएंगे। ओ थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, बहुत ही प्यारा है, जिस तरह ये ओपन होता है ना, मेरा खुद दिल करता है कि मैं इस तरह का ना गिफ्ट किसी को बना कर दिया करूँ। अगर आप किसी को भी देना चाहें ना बर्थडे, अपनी फ्रेंड्स को स्पेशली, तो उसके लिए बहुत मेहनत है, और हाथ के साथ ये एक एक पिक्चर्स जो हैं ये देखें, उन्होंने पहले प्रिंट करवाई और फिर उनको लगाया है, बहुत शुक्रिया जी भेजने के लिए। आई थिंक ये आपने, चलें मेरे शायद 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए दिया हो, या जिसके लिए भी, मेरे ख्याल में आपका प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया भेजने के लिए। मैं पेज चेक कर रही हूँ, बहुत ही प्यारे इनके पास डिज़ाइन है, आप लोग ऑर्डर कर लीजिएगा। अपनी किसी भी फ्रेंड को विश करना हो किसी भी इवेंट के लिए, तो आप कस्टमाइज जो हैं इनसे करवा सकती हैं, कोई भी आपने अगर मतलब चॉकलेट्स वगैरह अपनी पसंद की ऐड करवा सकती हैं। और ये बहुत नीट बना हुआ है, ये देखिए ना, नीटनेस बहुत ज़्यादा है। बाकी मैं पेज टैग कर रही हूँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। और नेक्स्ट पीआर इज़ फ्रॉम ज्वेलरी स्टूडियो, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें उन्होंने मुझे सेंड की हैं, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और प्रोडक्ट्स मैंने सारी ओपन कर ली हैं, फर्स्ट जो उन्होंने मुझे सेंड की हैं, आई थिंक ये एमिली ही इनको, इस ब्रांड को प्रोनाउंस करते हैं, इसके 2 मुझे लिप ग्लॉसेस दे हैव सेंड मी, और इसके स्वाचेस यू कैन चेक का, इसके कितना पिगमेंट है और कितने लिप ग्लॉस जो है ये बिल्कुल अभी तक, वो कहते हैं ना बिल्कुल ड्राई नहीं ज़्यादा हुआ, मतलब इसका फार्मूला भी बहुत अच्छा है। जज़ाकअल्लाह जी ये सेंड करने के लिए। एंड नेक्स्ट दे हैव सेंड मी दिस 3 आई ग्लिटर्स हैं हैंग फैंग के, ठीक है, ये वाला सिल्वर का मैंने ये लिया था स्वाच, यहाँ से आप लोग चेक कर लें इसका पिगमेंट जो है। और उसके बाद ये सेंड में दिस मिनी हुदा ब्यूटी का हुदा डायमंड, ठीक है, इसका मिनी ये आई शेडो पैलेट है, और इसके भी आप पिगमेंट चेक कर लें और कलर चेक कर लें। बाकी पेज आप विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को और ज्वेलरी भी मिल जाएगी। और इसके साथ इन्होंने मुझे ये सेट सेंड किया है, ज्वेलरी बहुत खूबसूरत है, इसकी भी मेकिंग काफ़ी अच्छी है, और यहाँ से ईयरिंग्स आप चेक कर सकते हो, और साथ में ये शोल्डर फोरहेड पीस भी है, यानी कि टिक्का बिंदी जो भी आप लोग कहें, बहुत शुक्रिया। उसके बाद जनाब मुझे ये 2 ड्रेसेस रिसीव हुए हैं, एक ड्रेस है ये वाला, किस कदर हसीन है, खूबसूरत है, कलर कम्बिनेशन दुपट्टा भी इसका बहुत प्यारा है, और दूसरा ये ब्लैक मेरा हमेशा की तरह फेवरेट, ऊपर वाइट एम्ब्रॉयडरी, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, ड्रेस मैंने ओपन कर लिया है,
स्लीव्स के ऊपर भी बहुत प्यारा ये वाला पैच वर्क जिस तरह लगा हुआ होता है ना, वो है कॉटन है, समर के लिए बेस्ट है। नेक भी बड़ी प्यारी बनी हुई है, स्टिचिंग भी अच्छी है, फैब्रिक भी अच्छा है। अच्छा, आप यहाँ से इस कलर देख सकती हैं, बल्कि यहाँ से थोड़ा पर्पल सा लग रहा है, बट ये मैरून डार्क इस तरह का कलर है। यहाँ से शायद आपको आइडिया हो जाए, ट्राउज़र के भी नीचे ये देखें ना, इस तरह का डिज़ाइन है। और दुपट्टा जो है वो ऑर्गेन्जा का है, और दोनों साइड के ऊपर ना ये एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर है, मतलब सेंटर जो है वो इसका प्लेन है और साइड्स पे है। और ये इस तरह के टसल से कॉर्नर पर भी दिए गए हैं, ये भी बहुत प्यारा टसल। मैं दूसरा आपको ओपन करके दिखाती हूँ। बहुत शुक्रिया जी सेंड करने के लिए, कि मैं पेज टैग कर रही हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, काफ़ी और इनके पास वैरायटी है। और जो सेकेंड ड्रेस है वो ये ब्लैक है, ये आई थिंक प्योर फैब्रिक में है, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ इसका फैब्रिक, और इस पर वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी है। ये भी अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना मुझे पहले वाला अच्छा लगा है का फैब्रिक। और दूसरा, इसके शर्ट के नीचे ये स्लीव्स भी नहीं, वो स्लिप भी नहीं लगी हुई, थोड़ा सा मुझे ये इसका करना पड़ेगा। बाकी साइज़ अच्छा है, फैब्रिक इसका भी काफ़ी अच्छा है। मैं एम्ब्रॉयडरी आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ, ठीक है इसकी। और दुपट्टा आप इसका देख लें, दुपट्टे के ऊपर फुल ही काम है, आगे पीछे जितना है दुपट्टा, और साइड के ऊपर ये बॉर्डर का भी जिस तरह पीस लगा हुआ है ना, इसके ऊपर भी सेपरेट सारी एम्ब्रॉयडरी है। पेज मैंने टैग कर दिया, प्राइस वगैरह पेज से पूछ लें। कलर जो है वो बिल्कुल इसका जेट ब्लैक है। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ज्वेलरी स्टूडियो का जो मैंने पेज मेंशन किया था वो, और जो मेकअप स्टूडियो ये वाला कार्ड देख लें, यहाँ से आपको ये सारा मेकअप मिलेगा। लेकिन अगर आप दोनों चीज़ें ऑर्डर करना चाहें तो आपको सेम डिलीवरी में दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये वाला जो मेकअप था आप यहाँ से ऑर्डर करें। सो आर नेक्स्ट पीआर इज़ फ्रॉम जासपी हाउस, थैंक यू सो मच जी। अच्छी बात पता क्या है, दिस पेज रन बाय गर्ल, ठीक है, बहुत अच्छी बात। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं सुनती हूँ कि लड़कियाँ जो हैं वो घर बैठ के इतने अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, वन केस मोबाइल का, ये देखिए मोबाइल का जो कवर है, आप पहले आप इनको अपने मोबाइल का कवर बताएंगे, ठीक है। वो इस तरह का ट्रांसपेरेंट बट अच्छी क्वालिटी का, आपने इसके कॉर्नर्स देखे हैं, एजेस देखे हैं, ठीक है, ताकि ये ब्रेक ना हो। इसमें रेजिस्टेंस होती है, अगर गिर जाए तो मोबाइल जो है वो आपका ब्रेक नहीं होता, ठीक है। वन केस प्लस 10 पोलराइड्स पिक्चर्स 980 की आपको मिल जाएंगी। तो आप अपने बैकग्राउंड जो है मोबाइल का वो इससे चेंज कर सकती हैं बार बार, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर आपने ऐसे लगानी है, अपना मोबाइल इसमें रखना है केस, तो आपका मोबाइल का जो केस का बैक है वो इस तरह आप अपने पसंद के। बाकी ये इंस्टाग्राम से इन्होंने लव यू मामा बहुत ही प्यारी मुकद्दस के साथ ही पिक्चर्स बनाई हुई हैं, मैंने इनको कहा था। और इसके अलावा साथ में सेकंड जो, और इसके अंदर वही ये लाइट्स के साथ जो कि बैकग्राउंड पे लग जाएंगी मुकद्दस की, और मेरी ये मुकद्दस के लिए सेंड की हैं कुछ, उसकी हैं सारी पिक्चर्स, बहुत शुक्रिया। ये पोलराइड्स पिक्चर्स होती हैं बट इनकी क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी होती है, तो आप लोग अपनी पसंद की पिक्चर्स दे के रूम में जो है खुद से डेकोरेट कर सकते हैं। ये साथ में वुडन क्लिप्स जो हैं जिसके साथ ये लगती हैं, तो काफ़ी ट्रेंडी है। बच्चियां जो हैं अपने कमरे में इस तरह की चीज़ें रखना पसंद करती हैं। पेज मैं टैग कर रही हूँ, ठीक है, और ये आपको मिलेंगी। प्राइस वगैरह बाकी इनके पास और भी काफ़ी हैं, ठीक है, या यहाँ से बल्कि आप डील्स भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पेज पे भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी सेंड करने के लिए। अभी ये ज़रा इलाज चेक कर लें, अभी मैं ये समेटूँगी, सर में शदीद दर्द मेरे शुरू हो गई है, बाकी कल अनबॉक्सिंग करेंगे इंशाल्लाह। साड़ी मंगवाई थी, उसका ब्लाउज का गला बहुत बड़ा था, ये मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लाई हूँ, ये उसका छोटी नेक बना के ये स्टिच किया है, कपड़े सारे प्रेस करवाए हैं जिनके रिव्यूज़ वगैरह देने, तो सुबह को इधर बिजी हूँ मैं। अच्छा, सारे मुझे कह रहे थे कि आप इस सिलाई मशीन के ऊपर रिव्यू दें। यार ये सिलाई मशीन मैंने दुबई से ली थी और बड़ी अच्छी है, मतलब इसका ये वाला मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे सारे एक्स्ट्रा कपड़े हो जाते हैं, और इसका सिस्टम मैंने इधर सेट किया हुआ है। बस इसको ख़त्म कर लूँ एक दफ़ा काम, फिर बात करते हैं।